झारखंड में भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में पहले पूजा सिंघल और अब छवि रंजन की गिरफ्तारी ने ऐसे अधिकारियों की पोल खोलकर रख दी है। आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद राज्य में सियासी सुगबुगाहट भी जारी है। इसी बीच बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक के बाद एक आईएएस की गिरफ्तारी से झारखंड की छवि खराब हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 3-3.5 वर्षों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का खुला खेल, बल्कि कह सकते हैं तांडव हुआ है, खनिज संपदाओं की जिस प्रकार से लूट हुई है, जल जंगल जमीन की बात करके सत्ता में आई इस सरकार में जिस प्रकार से जमीन की लूट मची है, वो राज्य की जनता देख रही है। और जनता यह समझ गई कि अब इस सरकार से इस राज्य को निजात दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राज्य की केवल खनिज संसाधन ही नहीं लूटे गए, जल जंगल जमीन की लूट ही नहीं हुई है, बल्कि राज्य की छवि बहुत ही खराब हुई है। अब लोग झारखंड को स्कैम झारखंड के रूप में जानने लग गए हैं। लोग जानते हैं यहाँ मतलब विकास नहीं हो सकता है, जबकि आप याद करें आज से 3-3.5 वर्ष पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी यहाँ माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में, तो विकास की गंगा बह रही थी, चाहे वो सड़क हो चाहे कोई भी बुनियादी सुविधा हो। आप देखें चारों तरफ केवल काम ही काम दिखलाई पड़ रहा था, और अभी केवल लूट ही लूट दिखलाई पड़ रही है। तो 3.5 वर्षों में बहुत ही इस सरकार की, इस राज्य की छवि धूमिल हुई है, खराब हुई है, और इसको बनाने में, इस प्रकार की छवि बनाने में राज्य सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक लगातार, ये राज्य संपोषित भ्रष्टाचार है, क्योंकि इसमें बिना राज्य सरकार के सहयोग के ऐसे कारनामे नहीं हो सकते हैं। और अब तो आपने देखा कि कई वरिष्ठ पदाधिकारी, चाहे वो इसके पहले ईडी के गिरफ्त में पूजा सिंघल जी आई, फिर उसके बाद आप देख लें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उसके गिरफ्त में आए, और अभी राज्य के वरिष्ठ आईएएस और रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई है। तो लगता है कि जैसे ये पूरा का पूरा जैसे कुएं में भंग पड़ी हुई हो, इस प्रकार की स्थिति हो गई है, और जहां हाथ डाला जा रहा है वहीं भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। तो राज्य की जनता बहुत ही निराश हो चुकी है, और इस छवि को बदलने के लिए राज्य की जनता अवसर का इंतजार कर रही है। जब ही मौका मिलेगा राज्य की सरकार को उलट करके और एक विकास की गंगा बहाने वाली सरकार, और जो यहाँ के जल जंगल जमीन की रक्षा कर सके, ऐसी सरकार वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनाने के लिए जनता तैयार है। लेकिन